students, today we will discuss chapter 3, The Little Girl of Class 9th. So let's start the chapter. Kezia is a little girl having both parents working, left in loving grandmother's care. Kezia, जो कि एक छोटी बच्ची है, जिसके जो माँ बाप हैं दोनों जॉब करने वाले हैं और वो अपने घर पे हैं, अपनी दादी माँ की टेक केयरनेस में रहती है. Kezia has formal relations with mother and father. Formal का मतलब होता औपचारिक. Kezia की जो रिलेशन होते हैं अपने माँ बाप से वो औपचारिक होते हैं. जैसे नॉर्मल रिलेशन अपने माँ बाप से हम खुले तरीके से रहते हैं, वो खुले तरीके से नहीं रहती है. इट मीन्स वो अपने माँ बाप से थोड़ा डरती है, डिस्टेंस मेंटेन करती है, क्योंकि वो उसको प्रॉपर टाइमिंग नहीं दे पाते हैं जॉब करने की वजह से. शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर. वो डरती है अपने स्ट्रिक्ट फादर से. सो शी स्टैमर्ड. स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना. वाइल टॉकिंग टू हिम, जब कभी वो अपने पापा से बात करती है तो हकला जाती है डर की वजह से. शी थॉट हिम टू बी गेंट साइज्ड. गेंट मीन्स डेथ. तो वो अपने पिता को, जैसे कि उसके पिता जो होते हैं वो लंबे चौड़े होते हैं, तो शैतान की तरह लंबा चौड़ा पापा को मानती है वो. ऑन संडेज ग्रैंड मदर सेंट हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स, बट Kezia फाउंड हर फादर लाइंग डाउन ऑन द सोफा टू रिलैक्स. मदर मदर बिजी रीडिंग. अक्सर संडे को दादी माँ होती थी वो Kezia को समय स्पेंड करने के लिए अपने पेरेंट्स के पास भेजा करती थी, लेकिन Kezia को अक्सर उसके पिता जो थे वो सोफ़ा पे लेटे दिखते थे रिलैक्स करने के लिए, और मम्मी जो थी उसकी वो अक्सर उसको पढ़ते हुए बिजी दिखती थी. दे डिडंट शो अफेक्शन एंड केयर. जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो छोटे बच्चे को, उस बच्ची को जो अफेक्शन होना चाहिए पेरेंट्स का, जो प्रेम होना चाहिए वो नहीं दिखा पाते थे. आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. ऑन संडे Kezia वॉज एट होम. संडे को जो Kezia थी अपने घर पे थी, बिकॉज ऑफ कोल्ड, कोल्ड की वजह से. एंड ग्रैंडमा टू कीप हर बिजी सजेस्टेड हर टू प्रिपेयर अ गिफ्ट फॉर हर फादर्स बर्थडे. और दादी माँ ने बच्ची को बिजी रखने के लिए उसे सजेस्ट किया कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, तो आप उस अपने पापा के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट बनाओ. Kezia प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन. Kezia ने एक पिन कुशन तैयार किया, जिसको उसने तैयार किया सुंदर येलो कलर के सिल्क क्लॉथ के साथ में, और उसको थोड़ा स्क्रैप की ज़रूरत थी उसे भरने के लिए. कुछ स्क्रैप का मतलब मान के चलिए कुछ पिलो में भरने के लिए जो इस्तेमाल करने वाले पेपर की कटिंग वगैरह टाइप की जरूरत पड़ी थी. टुक सम पेपर फ्रॉम फादर्स रूम. Kezia ने किया क्या, Kezia ने कुछ पेपर जो थे उसके पिता के रूम में वो लिए. एंड टोर देम अप टू स्टफ देम इन पिन कुशन. और वो सारे पेपर्स उन्हें फाड़ दिए उस पिन कुशन में भरने के लिए. इट वॉज फादर्स इंपॉर्टेंट स्पीच. उसके पिता की इंपॉर्टेंट स्पीच थी फॉर द पोर्ट अथॉरिटी. पोर्ट अथॉरिटी के लिए उसको जो स्पीच डिलीवर करनी थी. व्हेन फाउंड मिसिंग, जब उसके पापा को वो स्पीच नहीं मिलती है, वो पेपर नहीं मिलते हैं. द होल हाउस वॉज सर्च्ड. पूरा जो घर था उसको चेक किया गया, सर्च किया गया. द सर्वेंट Kezia वर क्वेश्चन, जो घर के नौकर थे इवन Kezia से भी पूछा गया. फाइनली इनोसेंट Kezia एडमिटेड. और अंत में जो इनोसेंट Kezia थी उसने अपनी गलती कबूल कर ली. शी हैड टोर देम फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट. उसने बोला कि मैंने जो पेपर थे वो आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट बनाने के चक्कर में फाड़ दिए. तो इससे आगे की वीडियो में आप लोगों को आगे का चैप्टर समझाएंगे. तब तक के लिए गुड बाय.